साहब, आपकी बच्ची? हाँ, मेरी बच्ची। आपको अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए था ना, कहीं आपकी बच्ची को भी तो वो है? चूड़ी वाली की दुकान पर दादी ने मैं चूड़ियाँ खरीद रही थी, अचानक से कहीं गायब हो गई। प्लीज आप हौसला रखिए, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। भूषण का काम है, इससे पहले इनकी बच्ची को छुआ में से ढूंढना होगा। क्या किसी ने मेरी बेटी को देखा है? क्या हुआ सरिता, तू रो क्यों रही है? शीना, शीना कहीं खो गई है। अरे उसे अभी अभी इस तरफ जाते हुए देखी मैंने। किसके साथ थी वो? एक आदमी था, बुरा सा। मैं कैसे रोकती, मैं सोची तरह कोई पहचान वाला। देखिए आप हौसला रखिए, हम आपकी बेटी को लाएंगे। चलो पापा, कितने मजे आएंगे ना वहाँ। बहुत बेटा, तू चलो हमारे साथ, दिखाते हैं हम तुमको। बाबा, आगे हम कहाँ जा रहे हैं? आगे तो जंगल है। अरे नहीं बेटे, ये जंगल के बाजू हमारे घर है। हमारे घर में छोटी बच्ची है तुम्हारे जितनी, आज उसका जन्मदिन है। ये देखो, ये ऐसा चॉकलेट, ढेर सारा चॉकलेट है वहाँ पे। बहुत अच्छी है, तुम और चाहिए? हाँ। चलो आ जाओ। भूषण यहाँ से दो ही जगहों पर जा सकता है, या तो उस नदी पर या उस कुएं के पास। चंदन, आदित्य, चंद्रकांत, विकास, तुम लोग सीधा उस कुएं पे पहुंचो। अच्छा, हम नदी पे जा रहे हैं और हमें वहां की सिचुएशन अपडेट करते रहना। कम ऑन, मूव। पापा। हाँ बेटा। और कितनी दूर चलना है? अरे बस बेटा, आ गया। वो सामने पेड़ देख रही? हाँ। पीछे जाइए, वहाँ हमारा गाँव आ जाए। बड़ी बड़ी मछली है वहाँ पे। चॉकलेट, ढेर सारे बच्चे होंगे, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी बच्चे नहीं है यहाँ तो, कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। हम कुएं पर पहुंच गए हैं, यहाँ कोई भी नहीं और एरिया सिक्योर कर लिया है। आस्था, बच्ची को लेके गांव पहुंचो जल्दी। यस सर। भूषण जंगल की तरफ भागा है, हम लोग यहां से फॉलो कर रहे हैं। वहां से कवर करो, कम ऑन ऑफिसर्स, मूव।
था, ये पूरा एरिया छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला। कहाँ गया होगा वो? तो ऊपर पहाड़ पे भी कोई नहीं है। हम फिर से हवेली जाके चेक करते हैं। तुम लोग जंगल में चेक करो। राइट सर। कहावत तो सुनी होगी ना तूने कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। और तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, नहीं? सारी जिंदगी एक काला सांप बन के तूने सारे गांव वालों को डसा है। आज से हमारी काल कोठरी में अपनी बाकी की जिंदगी बिता। प्रोफेसर धर्मेश, मैं और दीपक, मेरा भाई दीपक, हम तीनों मिलकर एक ऐसी दवाई पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसी दवाई जिससे ब्लड प्रेशर के मरीज को हार्ट अटैक आ जाए। इसी दौरान मुझे पता चला कि प्रोफेसर धर्मेश की बेटी मीरा और दीपक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये जानकर मेरा खून खौल गया। बर्दाश्त नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मीरा को मैं चाहता था। मैं लिए मैंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि प्रोफेसर धर्मेश की बीवी और दीपक के बीच में अफेयर चल रहा। तो उस दिन पार्टी में तुम जानबूझ के दीपक बंद कर गए थे ताकि वहां पे मौजूद लोगों को ये शक हो कि दीपक और प्रोफेसर की वाइफ में कुछ चल रहा। मैंने बनवाया वो वीडियो। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि प्रोफेसर धर्मेश की पत्नी और मेरे बीच बातचीत का वीडियो बनाओ, और वो वीडियो मैंने प्रोफेसर धर्मेश को दिखा दिया। वैसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी पत्नी और दीपक के बीच में अफेयर चल रहा है। अफेयर? प्रोफेसर धर्मेश मान गया। वो अपनी पत्नी की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी पत्नी को मार दिया। मीरा नहीं मानी। इसे दीपक पर पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास था कि दीपक ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो मानती थी कि दीपक उससे सच्चा प्यार करता है। तो मैं क्या करता? घटनाएं पढ़ लिया मैंने उसे, ताकि मीरा हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। इसलिए 5 साल तक तूने मीरा को कैद में रखा एक जानवर की तरह। ये सलूक किया उसके साथ, इतनी बुरी हालत। अरे गांव वाले उसे भूत समझने लगे। ठीक से बात तक नहीं कर सकती वो। और तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें भूषण। प्रोफेसर धर्मेश को कैसे पता चला था कि उनकी बेटी जिंदा है? मैंने ही बताया था। कुछ साल पहले जेल में मिलने गया था, रो रहा था। तो मैंने बोला, रो मत, तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने किडनैप किया उसे, पर यह नहीं बताया था कि मैंने उसे कहां छुपाया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि तुमने उनकी बेटी मीरा को अपनी पुश्तैनी हवेली में छिपा के रखा है। इसीलिए उन्होंने विक्रम को वहां भेजा, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या फायदा हुआ? प्रोफेसर धर्मेश ने मरवा दिया विक्रम को, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैंने हवेली में CCTV कैमरा लगा रखे। एक दिन जब मैंने विक्रम को हवेली में देखा तो मैं समझ गया कि इसको धर्मेश ने भेजा है मीरा को ढूंढने। तो मीरा का बहुत अच्छा दोस्त था। क्या करता मैं, मार दिया उसे।
जिस दवाई पर हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि मैं जानता था ये दवाई अपने पीछे ना सबूत छोड़ेगी ना सुराग। उसके बाद हवेली में जो भी आया उसे मैं उसी दवाई से मारता रहा और किसी को पता ही नहीं चला कि सारे खून मैं कर रहा हूं। मैं इसीलिए तूने अफवाह फैला था कि हवेली में भूत है, है ना? लोगों का क्या है, ऐसा कहो मान लेते हैं। और वो मासूम बच्ची, उन्होंने क्या बिगाड़ा था तेरा? बोल। मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता था कि जितना प्यार मैं उससे करता हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे, पर वो तो मुझसे नफरत करती थी। सिर्फ नफरत, इसलिए मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं 11 पूर्णिमा तक 11 बच्चियों की बलि चढ़ाऊंगा तो मीरा मेरी हो जाएगी। पहले तो ये सब अपने प्यार को पाने के लिए किया है। एक बाबा के कहने पे मासूम बच्चियों को तूने इतनी बेरहमी से मार दिया। प्यार? तेरी गुनाहों की सजा तुझे मिलेगी भूषण, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि कोई भी सजा तेरे गुनाहों के मुकाबले कम होगी। इस अंधविश्वास के चलते अजाने और कितनी मासूम बच्चियों को अपनी जान देनी होगी। इस बाबा को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।